हेलो एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद दिल से। आज हम बनाएंगे व्हाइट टील और पीनट्स का एक, दोनों का कॉम्बिनेशन का एक स्वीट डिश। और ये जनरली मकर संक्रांति के समय बनाया जाता है और इसको तिल और पीनट्स का चिक्की बोल सकते हैं या फिर बर्फी का अगर शेप देते हैं तो बर्फी बोल सकते हैं। तो इसको इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आज हम एक स्वीट डिश बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी और देखते हैं क्या क्या चाहिए इसके लिए और शुरू करते हैं। पीनट्स और तिल की बर्फी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी तिल, व्हाइट तिल है, और एक कटोरी पीनट्स, और ये बराबर बराबर मात्रा में लेंगे। और यहाँ पे गुड़ लिया मैंने करीब 200 ग्राम और सौंठ लिया, ड्राइड जिंजर और थोड़े से इलायची पाउडर, ये सारे ये इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे बर्फी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस में इसको रोस्ट कर लेंगे पीनट्स को। तो नॉन स्टिक पैन में मैंने इसको रोस्ट किया, आप चाहे तो किसी भी पैन में कर सकते हैं, लोहे की कढ़ाई में। तो इसको रोस्ट तब तक करना है जब तक कि इसे एक चटकने की आवाज़ आने लगे और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, और इसको वो तब तक इसको रोस्ट करेंगे। और इसमें कुछ भी नहीं डालना, प्लेन ऐसे ही रोस्ट करना है पीनट्स को। और आप देख सकते हैं रोस्ट कर लिया मैंने और इसको एक ठंडा होने के लिए एक थाली में रख दिया, ट्रांसफ़र कर लिया पैन से। और सेम प्रोसेस में इसको भी, तिल को भी हम लोग रोस्ट कर लेंगे। और सेम इससे भी, जब ये रोस्ट होने लगता है तो धीरे धीरे इससे भी चटकने की आवाज़ आती है और इसका भी हल्का सा कलर ब्राउनिश होने लगता है। तो उतना ही रोस्ट करना है जब तक कि इसका आवाज़ आने लगे, चटकने लगे, और फिर उसको गैस ऑफ करके और फिर इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही ठंडा होगा पीनट्स हमारा, तो कुछ इस तरह के पतले मसलिन के कपड़े लेंगे और उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। बेसिकली इसको, इसका छिलका उतारना है यहाँ, तो छिलके उतारने का ये तरीका है। तो इस तरह से कपड़े में करके इकट्ठे और इसको मसल देंगे कुछ इस तरह से, तो इसके छिलके इजली उतर जाते हैं। तो ये बर्फी बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारे छिलके उतरे, मतलब 70-75% छिलके उतर जाने चाहिए, और थोड़ा भी रहेगा छिलका तो भी चलेगा थोड़े बहुत। तो इस तरह से मैंने छिलके इसके उतार लिए इस प्रोसेस से। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे बन गए हैं पीनट्स रोस्टेड। इसको अब साइड कर देंगे और एक, अब एक ग्राइंडर जार में इसको कोर्सली दरदरा थोड़ा सा पीस लेंगे दोनों को, तिल को और पीनट्स को। तो पहले मैंने पीनट्स को पीस लिया, तो पीसने के बाद कुछ इस तरह से बन जाता है दरदरा। तो इसको अब एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सेम जार में अब तिल को भी पीस लेंगे, वाइट तिल को। ये बहुत ही हेल्दी होता है, जनरली त्यौहार में मकर संक्रांति के समय ये बनाया जाता है। तिल तो, तिल और पीनट्स वैसे ही हेल्दी होता है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन का बने कोई मिठाई तो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे तिल मैंने पीस लिया, इसको भी, और एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया। अब एक कढ़ाही में गुड़ को ऐड करेंगे और इसमें एक से दो चम्मच कुछ, मतलब थोड़े से पानी इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये मेल्ट हो जल्दी। पानी ऐड करने से क्या होता है, ये बहुत जल्दी मेल्ट होने लगता है। तो गुड़ में थोड़ा, दो से तीन चम्मच पानी ऐड कर देंगे और लगातार चलाते रहेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम कर देंगे। और जैसे ही इसमें उबाल आए, बबल्स बनने लगे गुड़ का, तो इसमें ऐड कर देंगे सौंठ एक चम्मच और एक चम्मच इलायची पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इन दोनों से। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे यहाँ पे, आप हल्का मिला के और इसको फ्लेम को लो कर देंगे। और इधर एक थाली को ग्रीस कर लेंगे, या तो घी से, बटर से, या फिर तेल से, आप जो प्रेफर करें उससे आप इसको ग्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इसको पीनट्स को बर्फी का एक शेप देना है तो उसमें हम लोग फैलाएंगे। इसके लिए पहले ग्रीज कर लिया और फिर इधर चलाते हुए अब चेक कर लेंगे कि ये हमारा सिरप तैयार है कि नहीं बाइंडिंग के लिए। तो दो उंगलियों के बीच इसको इस तरह से टच करके, और जब इसकी, इसका इंडिकेशन है जब उंगलियाँ चिपकने लगे तो समझ लें कि बाइंडिंग के लिए सिरप तैयार है गुड़ का।
तो यहाँ पे जैसे ही तैयार हो जाए वो चाशनी गुड़ का, तो फिर दोनों ऐड कर देंगे जो हमने पीस के रखे थे पीनट्स और तिल, दोनों को मिक्स कर देंगे गुड़ के साथ। बहुत अच्छे से यहाँ पे मिक्स करना है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे मैंने मिक्स किया, और गैस को ऑफ कर देंगे और फिर इसको ग्रीस किए हुए थाली में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से, और इसको बहुत अच्छे से फैला लेंगे। तो यहाँ काफ़ी गर्म है ये, इसलिए मैंने पानी से हाथों को थोड़ा सा पानी हाथों में लेके और फिर उसके ऊपर इसे थपथपाते हुए इसको फैला लेंगे थाली में, और एक अच्छा सा गोल शेप दे देंगे। क्योंकि ये बहुत गर्म होता है इसलिए मैंने पानी की सहायता लिया ताकि हाथ जले नहीं, और उसके बाद हाथों से उंगलियों के निशान आ जाते हैं इसलिए मैंने कटोरी से इसको चिकना कर दिया, उसके पीछे वाले भाग से कटोरी के चिकना करके, और इसको करीब यहाँ पे एक घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे ये गोल सा शेप देके इसमें, ताकि ये पूरी तरह ठंडा हो जाए और उसके बाद इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक घंटे के बाद कट किया, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह जम गई है और ये सेट हो गया है पूरी तरह, और इसको बर्फ़ी का एक शेप दे देंगे कट करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दिया कट किया और बहुत अच्छी बन गई है ये बर्फ़ी पीनट्स और तिल की, और ये दोनों का कम्बिनेशन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है। ठंड के दिनों में ऐसे ही तेल खाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ये कैल्शियम रिच होता है, प्रोटीन रिच होता है, तो ये आप इस तरह से इसकी बर्फ़ी बना सकते हैं।